आपके दर्शक अलग नहीं हैं यदि वे नहीं जानते कि कोई नई कार्रवाई क्यों आवश्यक है तो वे आपकी सहायता करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे वे अपना वर्तमान आरामदायक व्यवहार जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद संचारक अक्सर दो प्रमुख कारणों से इसका उत्तर देना भूल जाते हैं वे ये समझाते हैं कि अपने दर्शकों को प्रभावित करने का सबसे तेज तरीका क्या और कैसे है वे सोचते हैं कि इसका उत्तर इतना स्पष्ट है कि इसे खोलने की आवश्यकता नहीं है एक कठिन परिस्थिति के बारे में सोचें जहां लोगों के लिए एकजुट होना और एकजुट होना महत्वपूर्ण है एक टीम परिभाषित आंतरिक पहल के रूप में कुछ सरल या उस आर्थिक संकट से बाहर निकलने के रूप में कुछ जो अभी हम कर रहे हैं मान लीजिए कि आप आश्वस्त हैं कि यदि आपके दर्शक आपकी योजना पर अमल करते हैं तो आपकी कंपनी बिना किसी नुकसान के बाहर निकल जाएगी आप जानते हैं कि यह कैसे करना है आप उन सभी अंतर्दृष्टियों को एक भावुक प्रस्तुति में डाल देते हैं आपको तालियां बजने लगती हैं और फिर कुछ नहीं होता क्या आप वहाँ है आपने अपने परिदृश्यों योजना अनुसंधान सत्यापन के माध्यम से काम किया है और क्या होने की आवश्यकता है और इसे कैसे करना है ये बताने में ऊर्जा लगाई है आप उन लोगों से प्रतिक्रिया की कमी से निराश होकर चले गए हैं जिनके जीवन में सुधार होगा यदि वे बस जो आपने कहा था कैसे आपने इसे करने के लिए कहा था आइए इस उदाहरण का थोड़ा और विश्लेषण करें नेता बताते हैं कि उनकी अंतर्दृष्टि क्या है और निष्कर्षों को कैसे लागू किया जाए अधिकांश नेता अपनी बातचीत इसी प्रकार करते हैं विशेषकर पेशेवर जो विषय के गहन विशेषज्ञ हैं वे उस सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे साझा करना चाहते हैं कई नेता दर्शकों के नजरिए से क्यों पर भी विचार नहीं करते क्योंकि यह उन्हें इतना स्पष्ट लगता है उन्हें लगता है कि यह सभी के लिए स्पष्ट है दूसरी ओर मान लें कि आप अपनी बात को एक सम्मोहक कारण के साथ जोड़ते हैं हम माध्यमिक संक्रमण दर को 40 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं या अगर हम अपनी सामग्री जारी करते हैं तो हम अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं मुक्त करने के लिए क्यों का उत्तर देने से अक्सर मनुष्य को उस कार्रवाई से लाभ होगा जो आप लोगों से करने के लिए कह रहे हैं यह अचानक मायने रखता है इस बात की अच्छी संभावना है कि आपका कारण उपरोक्त उदाहरण की तरह स्पष्ट नहीं होगा तो यहाँ तीन रणनीतियाँ हैं जो आपकी अगली प्रस्तुति में क्योंकि मूल तक पहुँचने में आपकी मदद करेगी कुछ अच्छे प्रश्न पूछें क्योंकि उत्तर अक्सर हमारे अवचेतन में छिपे रहते हैं और आपको उन्हें मनाकर बाहर निकालना पड़ सकता है कभी कभी आप स्वयं से कुछ अच्छे क्या प्रश्न पूछकर यह पता लगा सकते हैं कि क्यों यदि हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं तो क्या दांव पर है यदि हम ऐसा कर लें तो भविष्य कैसा होगा यदि हमने ऐसा किया या नहीं किया तो मानव स्थिति की स्थिति क्या होगी इसका कारण जानने का दूसरा तरीका यह है कि कोई और आपसे तो क्या पूछे जब तक कि आप इसका उत्तर न दे सकें यह आपको की जड़ तक ले जाएगा का पालन करें क्योंकि केवल क्यों पर विचार करना पर्याप्त नहीं है आपको क्यों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना होगा इस बारे में सोचें कि आप अपने दर्शकों से क्या कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं और फिर क्योंकि के साथ इसका पालन करें उदाहरण के लिए हमें अपनी प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि अंडस्को अंडस्को अंडिस्को अंडस्को जो भी कारण हो हमें अंडस्को अंडिस की आवश्यकता है क्योंकि अंडिस्को अंडिस वह दूसरा रिक्त जो भी हो क्यों के प्रश्न का उत्तर देगा वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य बताएं। आपके द्वारा समाप्त किए गए संभावित दृष्टिकोणों को संबोधित करके संशयवादियों और प्रतिरोध को संबोधित करें जिस कार्रवाई के लिए आप उन्हें प्रभावित कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी प्रकट करना उल्टा लग सकता है लेकिन आप उन विचारों को साझा करके दर्शकों को बेहतर ढंग से मना सकते हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया है और आपने अनुमान लगाया है क्यों आपने उन्हें हटा दिया है उन विचारों को साझा करके जिन पर आपने विचार किया खोजा परीक्षण किया और फिर छोड़ दिया आप प्रदर्शित करेंगे कि आपने सभी संभावनाओं पर विचार किया है क्यों का उत्तर देना सहानुभूति का कार्य है और आपके संचार में अनुनय की एक परत जोड़ता है जब लोगों को पता चलता है कि उनसे कुछ करने के लिए क्यों कहा जा रहा है तो उनके ऐसा करने की अधिक संभावना होती है ऐसे समय में आपके ग्राहकों और आपके कर्मचारियों को आपके ज्ञान और नेतृत्व की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है और आपके पास अनिश्चितता के बीच उन्हें आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है जब आप उन्हें अगला सही काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो क्यों को शामिल करना न भूलें